चलिए बच्चों, अब हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। विद्रोही नेता यानी विरोध करने वाले नेता थे धुंधुपंत नाना साहब। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह छेड़ा हुआ था। भारत में सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उस में जो विद्रोह करने वाले सबसे आगे नेता थे वो थे धुंधुपंत नाना साहब। उस समय जो कानपुर था वो उनकी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, पर उनका यह स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया और वे कानपुर छोड़कर भाग गए। लेकिन जल्दी में वे अपनी बेटी मैना को ले जाना अपने साथ भूल गए। देवी मैना, मैना के साथ देवी विशेषण का प्रयोग किया गया है। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर जंगा का नाम है। बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद, विद्रोह को दमन करना होता है दबाना, दबाने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से, क्रूरता यानी कठोरता से, उस निरीही, निरीही का अर्थ होता है बेचारा, मासूम, यानी जो मैना थी वो क्या थी, बेचारी थी, मासूम थी और निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया, ऐसी देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन, रोमांचकारी वर्णन यानी भयानक वर्णन, जिससे मतलब सुनकर भी भय जो होता है वो पैदा हो जाता है, ऐसा भयानक वर्णन पाषाण हृदय को भी, यानी जिसका हृदय पत्थर के समान हो, जो कभी नहीं पिघलता, जिसके अंदर दया, ममता, करुणा नहीं होती, एक बार ऐसे हृदय को भी द्रवीभूत कर देता है, यानी करुणा से पिघला देता है। मैना को किस अपराध में जला डाला गया था? तो मैना एक निरपराध और निरी कन्या थी। उसका कसूर केवल इतना था कि वह नाना साहब की बेटी थी। नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, इसी का बदला अंग्रेज लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैना को जलती आग में डालकर भस्म कर डाला। अगला प्रश्न बनेगा इस में से, मैना बिठूर के महल में कैसे रह गई थी? उत्तर होगा, जिन दिनों नाना साहब कानपुर में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में जुटे हुए थे, उस समय उनकी बेटी बिठूर के राजमहल में रहती थी। उनका जो स्वतंत्रता आंदोलन था वह अचानक असफल हो गया था और नाना साहब को कानपुर छोड़कर तुरंत भागना पड़ा था। जल्दी में वे अपनी बेटी को ले जाना भूल गए, इस कारण वह बिठूर के महल में ही रह गई।